तो ऐसा क्यों रहा है? आर्यन एक 18-year-old गाय अभी एक रेडियो स्टेशन में एज एन इंटर्न काम कर रहा है, बहुत यंग लड़का है. तो सॉरी क्वेश्चन. Why did you pick this role? हाँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम थोड़ा ब्लैक आउट. आई पिक दिस रोल बिकॉज मतलब व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशंस और जब मुझे स्क्रिप्ट मिला फॉर आर्यन, जो कि दो कैरेक्टर्स मिले थे मुझे. फर्स्ट वॉज फॉर द नर्डी गाय और सेकंड वॉज फॉर द एक सुपर हीरो वे में अपने विलन से वो लड़ाई कर रहा है. तो व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक कि तो काफी डिफिकल्ट है, काफी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि दोनों दो रोल्स थे तो दोनों स्विच कर रहा था कैसे. आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड, इसलिए मुझे मिल भी गया एंड आई एम हैप्पी. जब अच्छे से शुरू किया है तो थोड़ी बुराई की तरफ आ जाते हैं. हमें तो दिखाया नहीं गया एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट. आई थिंक जी टीवी के प्रोड्यूसर्स थोड़े से डर गए कि इतने बुराइयों को दिखाए तो कैसे चलेगा. लाइक जोक्स अपार्ट, आई एम रियली रियली हैप्पी टू पिक अप दिस रोल बिकॉज इतने सारे कॉस्ट्यूम ड्रामास किए लेकिन ऐसे सुपर हीरो के साथ काम करने को नहीं मिला है. एंड थैंक गॉड की बुराई है इस दुनिया में, नहीं तो हम जैसे लोग कहाँ जाते. बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली डन, बहुत अच्छा किया है, हमने भी मेहनत की है एंड जी टी वी हैज़ रियली पुट इन देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर दिस. इट्स अ न्यू थिंग विच दे ट्राइड एंड मुझे यकीन है कि सबको अच्छा लगेगा, लगेगा पूरे परिवार को. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग अच्छे से काम कर सके और आज आप लोगों के सामने हैं. एंड प्लीज वॉच द शो, प्लीज मेक अदर्स वॉच इट एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. विशाल, कैन वी हियर फ्रॉम यू? हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. वेल, आई थिंक द रीजन व्हाई आई पिक द शो वाज, जैसे आप देख सकते हैं मेरे कॉस्ट्यूम काफी अतरंगी है, और भी बहुत सारे दूसरे भी है, मतलब फैंसी है. और जब उन्होंने मुझे इन्होंने पहली बार बताया कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं अंदर ही अंदर 2 सेकंड में मार गया था. मुझे पता था यहाँ परफॉर्मेंस का बहुत चांस मिलेगा एंड बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे टेलीविजन पर ऐसे किरदार निभाने के लिए. तो अंदर ही अंदर तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, पर मैं अकेले यार ठीक है देखते हैं, विल सी, आई डोंट नो. बट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज सोल्ड इन द फर्स्ट मिनट. बहुत कुछ करने मिला इसमें जैसे मैंने सोचा था. जैसे आपने देखा होगा बैटमैन में जोकर है, थोड़ा उस पर टेक है. बहुत सारे अगर आप लोगों को पता है, किसी ने वो पुरानी पिक्चर देखी है आदमदाई, जिसमें कादर खान जी थे, उस पर टेक है. तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग तरीके के, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जो पहले देखा गया और वो उठा के डाल दिया. इट्स अ मिक्स बैग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये एक डार्क वर्ल्ड से है, ये इंसानों की दुनिया से नहीं है. तो मुझे एक 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 अपर हैंड भी मिल जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए, वो कैरेक्टर के माइंड के लिए, वो सब मिला के वो समथिंग दैट वेरी वेरी इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. एंड लाइक मिस्टर नमित सेड, इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ एंड अ बैलेंस ऑफ एक्शन ड्रामा और या दैट दैट दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स प्रोबब्ली व्हाई आई चोज दिस रोल. थैंक यू. थैंक्स अशोक. The reasons are like, first of all, this is my first show with ZTV, so it was a very good experience, thanks to Z. Secondly, जैसा आप जानते हैं, हमेशा एक good husband.